जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी हमारे सेनापति और किसी एक प्रतिद्वंदी के बीच मुकाबला होगा और जो भी हमारे जाबाज और वीर सेनापति के साथ चुनौती करने का साहस करेगा और अगर इस मुकाबले में वो जीत गया तो हमारी राज्य की परंपरा के अनुसार उसे हमारे राज्य का सेनापति बना दिया जाएगा। तो देखते हैं कि इस बार हमारे सेनापति से मुकाबला लड़ने के लिए कौन आगे आता है। जो भी योद्धा इस मुकाबले में अपनी किस्मत आजमाना चाहता हो कृपया वो सामने आए। ये मुकाबला मैं लड़ूंगा। आपसे ये जनता अच्छी तरह परिचित है और जो परिचित नहीं है मैं उन सबको ये बता देना चाहता हूँ कि ये नौजवान स्वर्गीय श्री उदय भान सिंह जी के पुत्र हैं, जो हमारी सेना में एक छोटे से सिपाही थे और ये इनके बड़े भाई भी हमारी सेना के एक बहादुर सैनिक हैं। सूरज भान जी एक बार ये मुकाबला पहले भी हार चुके हैं परंतु ऐसा लगता है कि अब भी इनका हौसला टूटा नहीं है, इसलिए एक बार फिर हमारे बहादुर और जाबाद सेनापति से मुकाबला लड़ने के लिए आगे आ गए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। आइए आप मैदान में आइए। विजयी विजय नहीं आया। उसे सुनते फुर्सत हो तब ना। क्यों, तुमने कहा नहीं? हमारी कहाँ सुना है वो। विजय तेरे साथ भी नहीं आया क्या? सो रहा है अभी तक। उठ तो गए साहबजादे पर गुस्से में हैं। पूछते हैं खाना कहाँ है। यहाँ आने के लिए नहीं कहा तुमने? कहा था, वो तो मुझे ही डांटने लगा। कि लड़का भी ना। शाबाश सूरज। शाबाश।
शाबाश। कमीने दुर्पाल, मैं देख लूंगी तुझे। चुप रहे, तू जाएगी वहाँ पे। फिकर मत कर हंसराज, सूरज जरूर जीते। हिम्मत मत हार मेरे भाई, अब की बार मैं तेरी और ज्यादा तैयारी कराऊंगा। हौसला रख, तू जीतेगा जरूर। इस तरह ये कैसे सेनापति को हराएगा हंसराज? हराएगा क्यों नहीं, अब की बार मैं इसकी तैयारी और हौसला और बढ़ाऊंगा। हौसले में कमी नहीं थी हंसराज, सूरज का हौसला सेनापति से कहीं आगे था। तुमने देखा नहीं, इसकी तलवार सेनापति के कवच से टकराकर हट जाती। इस बेचारे के पास तो कवच भी नहीं था और सेनापति के वार इसके नंगे बदन पर पड़ते रहे, और सेनापति की तलवार बहुत भारी थी। सूरज की ताकत और उसके हौसले पर शक मत करो, उसके वार बता रहे थे कि उसका हौसला कितना बुलंद है। फिर के कमी है हंसराज, तुम्हें सूरज के लिए शाही कवच मजबूत और शाही तलवार मजबूत लानी होगी। पर यह तो बहुत कीमती है। मुकाबला भी तो छोटा नहीं है। मैंने सोच लिया हकीम जी, मुझे चाहे घड़ी क्यों ना बेचना पड़े, मैं सूरज के लिए कवच और तलवार जरूर लाऊंगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ, शहनाज को मरहम दे करके भेज दूंगा। राजमहल जाओगे? हाँ वहीं जाऊंगा, महाराज ने मुझे बुलाया है। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। हाँ तुम भी चलो। बहादुर होकर रो रहे हो? देखना इस बार तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए नया तलवार और नया कवच लाएंगे और तुम जरूर सेनापति को हराओगे। भाभी तुम भी, सुना तुमने भैया मेरे लिए इस मकान को बेचने की बात कर रहे थे। जानती हूँ उन्हें भी और उनके सपने को भी, पिताजी को दिए हुए वचन के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने पिताजी को वचन दिया था कि वो तुम्हें सेनापति जरूर बनाएंगे। भाभी तुम उन्हें समझा तो सकती हो। मैं उनसे अलग कहाँ, और तुम्हारी जीत में ही तो हमारी जीत है। और देखना तुम जीत जाओगे तो इससे अच्छा घर बनवाएंगे। मुझे तो बस उस विजय की ही चिंता लगी रहती है,
और तुम्हारे भैया भी तो उसी की चिंता करते रहते हैं। भैया को और मेरी चिंता? भूल जा भाभी, ऐसा कोई दिन गया जब उन्होंने मुझे ना डांटा हो? कोई ऐसा दिन भी गया है जिस दिन तुम्हारी शिकायत ना आती हो? अरे पगले, वो तुझसे प्यार करते हैं, चाहते हैं कि तू सुधर जाए, बस इसीलिए समझाते रहते हैं। खुद क्यों नहीं समझते, इसे क्यों ना समझाते? अक्सेनापति से ना लड़े के मिलाए से इतने सारे घाव आ गए ना हार के। चुप कर विजय, पता नहीं क्या क्या बकता रहता है। सूरज की निया हलवा बन के आ रहा है और मेरी निया कुछ नहीं। ठीक है ठीक है, कुछ बचेगा तो इसे भी दे दूंगा, मैं चाक तो लूं। यार विजय, सुना साई बाग में बहुत मोटे मोटे फल लग रहे। हाँ विजय, ठीक कहे यो, मोटे मोटे और मीठे। अच्छा हाँ, और यू साई बाग है कहाँ? बस यो पास ही है। अच्छा हाँ, तो आज हम साई बाग के ही फल चखेंगे। ओए विजय के बच्चे, उस बाग में कई माली रहते हैं। तो इसमें कौन सी नई बात है, माली तो हर बाग में ही रहे। ऐसे वैसे माली नहीं, तलवार रहती है उनके पास, तलवार। वो शाही बाग है समझे, मतलब महाराज का बाग। महाराज का हो या महारानी का, है तो हमारे इलाके में, उस पे हमारा पूरा हक है। अगर पकड़े गए तो? तुझे पता है मैं घोड़े से भी तेज दौड़ता हूँ, अगर तुझे नहीं जाना तो घर जा, समझी? डरपोक कहीं की। मैं डरपोक हूँ? और के? यार तुम जहाँ देखो वहीं शुरू हो जाओ यार। चलो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं माली किसे पकड़ता है। चलो चलो आओ। विजय बहुत हो गए, आज अब अमरूद तो आज ही मिले हैं, ऐसे कैसे छोड़ दूं, कई दिन की कसर काट दूंगा। अरे कौन है बाग में, ठहरो मैं बताता हूँ तेरे को। विजय माली आ गया, जल्दी भाग। आओ नीचे आओ, कौन है? ये साई बाग है, तेरे बाप का बाग है क्या? तेरे बाप का है? ओए नीचे आ, बताता हूँ किसके बाप का है। तू जाओगा जब भी तो आऊंगा। ठीक है मैं ही ऊपर आ रहा हूँ। प्यारो कुछ कर, माली पकड़ लेगा विजय को। मैं क्या करूँ अब? हम नहीं मरवाओगी। अब मैं क्या करूं? देखता हूं कहां भागेगा।
बोलते क्यों नहीं? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं कहाँ आ गया? ये स्वर्ग है? तुम अप्सरा हो? मैं अप्सरा नहीं, तुम्हारी मौत हूँ। तुम मौत के मुंह में आ चुके हो। तुम्हारे हाथों से तो मौत भी आ जाए तो गम नहीं, तुम्हें देखने के बाद जिंदगी एक पल भी मिले तो माँ कसम वो भी कम नहीं। ये मखमली हाथ, ये कमल सा खिला चेहरा, तुम सचमुच परी हो। बड़े बदतमीज हो तुम, अभी मजे चखाती हूँ। सैनिको! सैनिक भी है यहाँ? कितने खुश नसीब हैं, पहरे पर ही सही पर आपके करीब हैं। अभी पता चल जाएगा। स्वर्ग में सैनिकों की जरूरत के थी? भागो बेटा आलिए। जी राजकुमारी जी, पकड़ा उसे। भाग गया, चलो चलते हैं। चलो। लगता है सारी कयामत इसी गांव में है। हर बार एक नई कशिश एक नई तमन्ना को जन्म देती है। मैं किसी पर अधूरी नजर नहीं डालता। तुम तो परी हो ना, बोलो ना, मेरा घर भी ढूंढ लिया? परी? कहाँ परी? अरे मैं तेरी भाभी हूँ, कहाँ गुम है तू? भाभी? हाँ हाँ, तुम तो भाभी हो। भाभी तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मैं यही हूँ, तू बोल। सूरज तू? तेरा दिमाग तो ठीक है? दिमाग? हाँ ठीक है। क्यों, भाई को प्यार नहीं कर सकते? अपनी नौटंकी छोड़, काम बता, तुझे के चाहिए? प्यार चाहिए, प्यार। प्यार? हाँ भाई का प्यार। भाई का प्यार? हाँ। हे 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 हे।
यही तो नहीं पता क्या हुआ है मुझे, बस हर तरफ तुम नजर आती हो, तुम नजर आती हो। मैं? हाँ तुम, और कौन? मैं? हाँ तुम, बताओ तुम अप्सरा हो या कोई परी हो? मुमताज तुझे क्या हुआ? तू भी? विजय छोड़ मुझे, विजय छोड़। तू? हाँ मैं। तू तो मुमताज है। तो मैंने कब कहा कि मैं कोई परी हूँ? हाँ, तू तो मुमताज है। ये भाभी है, ये सूरज है, ये मुमताज है, ये भाभी है, ये सूरज है, मुमताज है, भाभी है, सूरज। क्या ये भी मुझसे मोहब्बत करने लगा है? दिल कहीं का। Sorry.
महाराज की जय हो। क्या हुआ इस बच्ची को? महाराज, इसकी मौत हो गई है। क्या कोई बीमारी थी इसे? महाराज, इसे मारा गया है, इसकी इज्जत लूटी गई है। किसने हमारे राज्य में ऐसा दुस्साहस करने की हिम्मत की? यह तो पता नहीं महाराज, परंतु एक सबूत मिला है। तो फिर सबूत पेश किया जाए। महाराज, इसके हाथ में जंजीर मिली है जो कि सेनापति जी की है। ये जंजीर तुम्हारी है सेनापति? जी महाराज। तो तुम इस हत्या में शामिल थे? नहीं महाराज। महाराज, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तुम क्या बताओगे महामंत्री? महाराज, सेनापति ने मुझे जंजीर की खोने की सूचना तो दी थी, जिसको कि मैं कोतवाल और तहसीलदार को बताया भी था, और इसकी तलाश भी चल रही है। आपने हमें क्यों नहीं बताया? महाराज, इतनी मामूली सी बात के लिए आपको बताना उचित नहीं समझा महाराज। महामंत्री, माना कि ये मामूली बात है, पर इसका परिणाम देख रहे हैं आप। हंसराज, क्या नाम है इस बच्ची के पिता का? इसका नाम भीखू है महाराज। तुम्हें इसके मरने की खबर कब मिली भीखू? सुबह महाराज। देखा महाराज, अगर इसे इसकी लड़की सारी रात ना मिली तो इसे कोतवाली में खबर करनी चाहिए थी महाराज। क्यों भीखू, आपने सूचित क्यों नहीं किया? महाराज, मैंने सोचा कि किसी सहेली के घर होगी और आ जाएगी। इसका मतलब महाराज, ये लड़की सहेली घर पूरी पूरी रात बिता दिया करती थी। क्यों भीखू, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं थी? महाराज, आज तक तो ऐसी बड़ी बात नहीं हुई थी। इसका मतलब महाराज, ये छोटी मोटी घटनाएं पहले भी होती रही हैं, और कल रात तो सेनापति के विश्राम की रात थी। सेनापति तो अपने महल से बाहर ही नहीं निकले महाराज। ये जरूर किसी शत्रु की सोची समझी साजिश है सेनापति के खिलाफ। मुझे नहीं लगता कि कोई अपनी बेटी को मारकर साजिश रचेगा। ऐसा हो सकता है कि कातिल ने मुझे फंसाने के लिए मेरी जंजीर इसके हाथ में रख दी हो। सेनापति, तुम कातिल का पता लगाओ। जी महाराज। और महामंत्री? जी महाराज। आप भीखू की बेटी के अंतिम संस्कार के लिए जितना धन ये मांगे राजकोष से दे दीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। भाभी को पूछ रही हो क्या? अभी आती होंगी। खाना लाऊं? खाओगी? मैं खाना खाऊं? मैं तो विजय के साथ खाऊंगा। क्या बातें हो रही हैं चुप? भाभी पता नहीं क्या कह रही है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। तेरे अंदर तो बस ताकत है, दिल और दिमाग तो है ही नहीं। दिल होता तो समझता भी। क्यों शहनाज? ऐसी बात ना है भाभी, मेरे अंदर भी दिल है, ये देखो धड़क रहा है। अरे पागल, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें खामोश दिल बिना कहे भी समझ लेता है। तुम्हारी बातें भी अजीब सी हो भाभी। तुम बोलो शहनाज। ठीक है, ले शहनाज।
ठीक है, कल परसों कभी भी दे जाना। अच्छा देवर जी, मैं खाना लगा दूं, तुम खा लेना। विजय तो आया नहीं। फिर तो भूल जाओ, शाम को ही मिलेगा। उनका कोई वक्त है, वो ठहरे राजकुमार। क्या बात हुई भैया? पता नहीं लड़का कब सुधरेगा, किस किस की सुनता फिरूं मैं। सुधर जाएगा, आप हाथ मुंह धो लीजिए और खाना खा लीजिए। वो अतर सिंह जो कभी मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था, आज वो भी अकड़ रहा था, सारी फसल बेकार कर दी उसकी। जब आएगा मैं समझा दूंगी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। हकीम जी, मुखिया जी, क्या विजय ने फिर कुछ कर दिया क्या? फिलहाल तो हम किसी और सिलसिले में बात करने आए हैं। और क्या? सब गांव वाले सोच रहे थे कि इस बार जलसे में महाराज को, क्योंकि पिछले कई सालों से महाराज नहीं आए हैं। ये तो अच्छी बात है, महाराज भी खुश होंगे। और इसी बहाने महाराज से लगान माफ की बात भी कर लेते दवाई घोट के। अगर तुम साथ चलते तो बात में थोड़ा वजन आ जाता, क्योंकि महामंत्री को तो तुम जानते ही हो, कोई दिक्कत ना पैदा कर दे। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा। बोलिए कब चलना है। अभी चलते हैं दवाई घोट के। चलिए। क्या बात है? हमें महाराज से मिलना है। सिलसिले में इस वक्त महाराज का विश्राम करने का समय है। महाराज का हुक्म है, प्रजा और गुप्तरों के लिए कोई समय नहीं। परी, आज मैं परी से मिलने जरूर जाऊंगा। जल्दी करूं, कहीं मुमताज ना आ जाए। जल्दी कर विजय, नहा ले, तैयार हो जा और फिर जलसे के लिए जाना है। जलसा? कैसा जलसा? आज गांव में जलसा है, महाराज आएंगे, नाच गाना भी होगा। तो मुझे के मतलब महाराज से नाच गाने थे? और फिर कहाँ जाएगा, तेरे सारे दोस्त तो वहाँ हैं। मुझे कहीं और जाना है। जरा मैं भी तो सुनूं, कहाँ जाएगा तू? एक नया दोस्त है। आज नहीं, तुम्हारे भैया कह कर गए हैं, भेज देना। और सूरज भी वहीं पर है, सारा गांव इकट्ठा है। भाभी चलो ना, वहाँ सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। विजय जल्दी करो ना। तुझे ये नाच गाने का शौक, तू ही जा, मैं ना जाता। विजय जल्दी कर, मुझे घर भी बंद करना है। इनके साथ चलता हूँ, वहाँ जाके इन्हें क्या पता मैं कहाँ गया। अब क्या सोचने लगा तू? हाँ चलो, पहले नहा तो ले। हाँ मैं नहा कर आता हूँ, तुम लोग चलो। अब तू ऐसे ही चल, हमारे जाते ही तू कहीं और चला जाएगा और वहाँ तेरे भैया मुझे डांटेंगे, कैसे समझाऊंगी मैं उन्हें। ठीक है चलो। अच्छी तरह समझ गए ना, या फिर? सरकार समझ गए, अच्छी तरह समझ गए। अगर महाराज के सामने किसी भी गांव वाले ने मुंह खोला तो उसका क्या होगा, ये तुम जानते हो? जानते हैं। मैं जिसको जितना ऊंचा उठाता हूँ उसको उतना नीचे गाड़ देता हूँ, क्योंकि मैं किसी पर अधूरी नजर नहीं डालता। चलो बेटा। आइए मैं आपको घर तक छोड़ दूं। ये लड़के सुना नहीं हम कुछ कह रहे हैं? बहुत घमंड है तुझे लड़की, शायद तू हमें जानती नहीं। सरकार ये तो गूंगी है।
गूंगी है तो क्या हुआ, कली तो है और हम कली को देखते ही पहचान लेते हैं कि उसे फूल कब बनाना है। सूरज सनाज को सेनापति नदी पे। क्या बात है सेनापति द्रुपाल सिंह? बातें तो बहुत है लेकिन। लेकिन क्या? कोई मेरे काम में टांग अड़ाए तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और कोई किसी पे बुरी नजर डाले मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलो हम तुमसे वादा करते हैं कि हम इस पर अच्छी नजर डालेंगे। अब तुम जाओ, हमें इससे दो बातें करनी है। जो बात करनी है मेरे सामने कीजिए। क्यों, ये सिर्फ तुम्हारा इशारा समझती है क्या? कोई चक्कर है क्या? बोलो बोलो, घबराओ मत। वैसे भी मैं इसको कोई सदा के लिए थोड़ी लेके जा रहा हूँ, मैं तो बस थोड़ा सा। द्रुपाल सिंह अपनी जबान को लगाम दो। सेनापति जी, महाराज आ चुके हैं और महामंत्री जी ने आपको तुरंत याद किया है। शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो महाराज आ गए, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं किसी पर अधूरी नजर नहीं डालता।
बड़ी प्रतिभा है इन बच्चों में। एक विनती थी महाराज, अगर। हाँ हाँ कहिए मुखिया जी। हाँ हाँ बोलिए, घबराइए नहीं। महाराज पिछले 2 सालों से फसल अच्छी नहीं हो रही और ना ही पिछले 2 सालों से वर्षा हो रही है। अगर इस साल का लगान माफ हो जाता तो जो कुछ बचा है उससे आने वाली फसल की तैयारी और अच्छी तरह से कर लेते। महामंत्री, क्या इन सब लोगों का पिछले साल का लगान आ चुका है? जी महाराज। तो इन सब का इस साल का लगान माफ किया जाए। परंतु महाराज। कोई किंतु परंतु नहीं, यदि ये इस साल की फसल की तैयारी नहीं करेंगे तो आने वाले सालों का क्या होगा? इसलिए इस साल कोई लगान नहीं होगा। महाराजा धर्मदत्त की जय। 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 क्या तुम यही सोच रहे हो ना कि महाराज ने तो लगान माफ कर दिया है, अब हमारा क्या होगा? परंतु तुम ये क्यों भूल जाते हो, लगान सिर्फ महाराज ने माफ किया है, हमने नहीं। और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि लगान कैसे वसूल किया जाता है। जानकी ये सिक्के रख दो। इतने सारे सिक्के क्या करोगे? क्या करेंगे, अगले हफ्ते सूरज के लिए तलवार लानी है। भैया मुझे कुर्ता बनवाना था। ठीक है, अगले महीने बनवा दूंगा। मुझे आज ही बनवाना था। ये देख मेरा कुर्ता कितना पुराना है, मैंने बनवाया नहीं सिर्फ इसलिए कि सूरज के लिए कवच और तलवार आ जाए। अपनी भाभी को देख कभी कुछ नहीं मांगती, सिर्फ इसलिए कि सूरज की तलवार आ सके और वो जीत सके। मैं एक एक पाई को जोड़ रहा हूँ, तू ननायक उसे खर्च करना चाहता है? सूरज का भी तो बनवाया था, वो मुकाबला लड़ा था और तू यहाँ वहाँ फिरता है सबका नुकसान करता हुआ। अब बनवा भी दीजिए ना, पिछले साल ही तो बनवाया था। जब तक सूरज के लिए तलवार नहीं आ जाती मैं इसमें से पाई भी खर्च नहीं करूंगा। देखा भाभी, मेरे लिए कुछ नहीं और तुम कहती हो भैया मुझे प्यार करते हैं। मैं सब समझता हूँ, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं करता। ऐसी बात नहीं है, तुम तो जानते ही हो अपने सपने के लिए उन्होंने मुझे भी बुला रखा है। सूरज भाई, भाई आज तो जच रहे हो यार। भाई मेरे लिए एक काम कर दे। अब्बा है ना असली बात पे, बोल यार। भैया तो कह के मैंने एक कुर्ता बनवा दे। कुर्ता वो भी नया, मेरे बस की बात ना है भैया से कहनी। यार भैया तेरी बात मान ले, मैं कुछ तो कर। अभी मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना है, बाद में सोचूंगा। के जरूरी काम है बताना जरूरी है? अच्छा चल मत बतावे, तू जो कहेगा वैसा करूंगा, तेरी गैल कसरत भी करूंगा, तेरा दूध भी नहीं पीऊं, बस तू भैया तक कह दे एक बार, तू जो कहेगा मैं वो करूंगा। पहले करके दिखा फिर कहना। तू कैसा भाई है? तू कैसा भाई है मतलब ही। यू जा कहां रहे यार, ऐसा के जरूरी काम है इसे? मैं चल के देखता हूं।
अच्छा तो यू जरूरी काम था? मुझे ना पता था मटकी उठवाना भी जरूरी काम होवे। तू यहाँ क्यों आया? मुझे भी जरूरी काम था। तुझे क्या जरूरी काम था? क्यों बताऊं? पर अब जो जरूरी काम है वो जरूर बताऊंगा। कौन सा? यही कि अब बड़े भैया को बताना पड़ेगा कि तुम आजकल नदी पे है ना, लड़कियों को मटके उठवाते हो। तू बताएगा भैया को? क्यों ना बताऊं? अरे मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई है तो मेरी एक बात मान ले। बोल। तू यार भाई से कह के कुर्ता बनवा देना। फिर वही कुर्ता? क्या करेगा इस कुर्ते का? खेतों में जाएगा या पेड़ पे चढ़ेगा? तुझे के मतलब? पहले बता कहाँ जाएगा। मैं भी जाऊंगा किसी से मिलने। ऐसा कौन है जिससे तू नया कुर्ता पहनकर मिलने जाएगा? है कोई? ओहो बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे किसी राजकुमारी से मिलने जाएगा। हाँ राजकुमारी तो है। तू और राजकुमारी होगी कोई खेतों में काम करने वाली घिसियारी? ए सूरज राजकुमारी को कुछ मत कहना वरना। वरना क्या? गुस्सा आया? ये जाएंगे राजकुमारी से मिलने। शकल देखी है अपनी? तेरे जैसों को तो वो अपना नौकर भी ना रखे। देख सूरज ज्यादा मत बोल वरना मैं भूल जाऊंगा तू मेरा बड़ा भाई है। भूल तू, भूल जा तू, भूल भूल। सूरज भैया आपने विजय को देखा? हाँ देखा है। कहाँ है वो? नीचे देख। इसे क्या हुआ? बेचारा ज्यादा उछल रहा था गिर पड़ा। तू नीचे कैसे गिर गया और तेरे मुंह से ये खून कैसा? क्यों नहीं मानता ये, मुझे गुस्सा दिलाता है। सूरज भैया आपने? मैंने तो प्यार प्यार में मारा था, मुझे क्या पता इतना नाजुक है ये। चल घर चल। देख मुझे हाथ में लगा। ठीक है मैं चलता हूँ, इसे ले आना। चल घर चल। चल ना। उसे जाके मना ले, सुबह से कुछ नहीं खाया। माने तब ना। प्यार से मनाना, मान जाएगा। देखता हूँ। अच्छा यार गलती हो गई, अब कभी भी नहीं मारूंगा। चल खाना खा ले। मुमताज तू इसे समझा, सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे इब तो मैंने माफी भी मांग ली इसते। देख विजय सूरज तेरे बड़े भाई हैं, माफ कर दे। तू किसने बुलाई यहाँ? किसी ने ना बुलाई, मैं खुद आई हूँ। और वैसे भी खाने से क्या नाराज होना? जब मैंने कह दिया मुझे नहीं खाना, किसी को मेरी परवाही कहाँ है? के क्या भाई, हमें तेरी चिंता ही ना है। होती तो भैया से कुर्ते की नहीं कहते, मारते ना। फिर कुर्ता? क्या करेगा आखिर इस कुर्ते का तू? अच्छा यार भैया से कह के बनवा दूंगा, वरना मेरा ले जाना। अब खाना तो खा ले। सच तुम मेरे कितने अच्छे भाई हो। अरे अब नौटंकी छोड़, खाना खा ले। अरे हे भगवान, इनके प्यार को ऐसे ही बनाए रखना। लगता है तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं है। मुझे तो आपसे प्यार हो गया है राजकुमारी जी। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? प्रेमी को लोग पागल ही तो कहते हैं। तुम यहाँ आए कैसे? हम यहाँ आए नहीं, आपका प्यार हमें यहाँ खींच कर लाया है। ओफो बिल्कुल पागल हो, तुम यहाँ आ तो गए हो पर जा नहीं पाओगे। यहाँ से जाना कौन बेवकूफ चाहता है, आप मुझे यहीं रख लीजिए ना। हम तुम्हें काल कोठरी में बंद करवा देंगे। आप मुझे अपने दिल में बंद कर लीजिए ना। सैनिकों! फिर बुला लिए। यार यहाँ सैनिकों का क्या काम था? भाग बेटा विजय, नहीं तो मारे जाएंगे। भागते कहाँ हो?
जी राजकुमारी। फिर आऊंगा मिलने जरूर। पकड़ लो इस बदमाश को, बचना नहीं चाहिए। जी वो भाग गया। भाग गया? चले जाओ यहाँ से और सेनापति से कहना हमने उन्हें याद किया है। तो भाग गया। क्या सोच रही है महारानी? माँ हूँ ना, बस बेटी की चिंता लगी रहती है। हमने सब सोच लिया है महारानी। क्या महाराज? महामंत्री और उनके पुरखों ने इस राज्य की बड़ी सेवा की है। अब भी दोनों बाप बेटे इस राज्य की प्रगति की ही सोचते हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि राजकुमारी मीनाक्षी का विवाह सेनापति दुर्पाल से कर दिया जाए, ताकि जब तक हम रहेंगे वो हमारे पास रहेगी और बाद में राज्य की देखभाल करेगी। जैसी आपकी मर्जी महाराज। आपने हमें याद किया राजकुमारी। ये कैसे सैनिक हैं तुम्हारे जो एक बदतमीज को पकड़ नहीं सके? कौन है वो, जरा हमें बताइए। पता नहीं कौन गुस्ताख है जो हमारे महल में घुस आता है और हमें तंग करता है। अब नहीं करेगा, मुझसे बचकर तो मौत भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैं किसी पर अधूरी नजर नहीं डालता। ठीक है, देखते हैं तुम्हें। अब मैं उसे पकड़कर ही रहूंगा। अब हम आराम करेंगे। ठीक है राजकुमारी। जब से देखा मैंने तुझको होश नहीं रहा मेरा मुझको, जब से देखा मैंने तुझको होश नहीं रहा मेरा मुझको, ना जाने ये क्या हो रहा है ले गए तेरे नैना लूट के ले गए मेरे चैना।
जब तेरी मेरी मुलाकात हुई, आँखों ही आँखों में बात हुई। जब तेरी मेरी मुलाकात हुई, आँखों ही आँखों में बात हुई। उन मुलाकातों को भूल न जाना, मेरी बातों को भूल न जाना। बात बता गए तेरे नैना, तेरे नैना ये तेरे नैना। दुनिया ने कितना समझाया, दिल खुश है जो तुमको पाया। दुनिया ने कितना समझाया, दिल खुश है जो तुमको पाया। मुझसे तूने मुझको चुराया, जाने कैसा ये रोग लगाया। रोग लगा गए तेरे नैना, तेरे नैना ये तेरे नैना। लूट के ले गए मेरे चैना। Video.